हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल में आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों लेके आई हूँ सोया चिली सॉस, जो बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही प्यारा हमने बनाया है और ये झटपट बनेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये घर के सभी सामानों से बन जाती है। आजकल सभी के घर में सामान रहते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस जो भी है मैंने उन्हीं से बनाया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। आप ये ना सोचें कि सब्सक्राइब करेंगे तो पैसा लगेगा, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पे घंटी दबाएंगे तभी आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमें मिलेगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सोया चिली सॉस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। मैंने प्याज कट लिया है इस तरह, और चकोर में हमने शिमला मिर्च काटा है, ये लहसुन हमने बारीक काट लिया है, ये अदरक और ये हरी मिर्च है, ये सेजवान चटनी है, रेड सेजवान चटनी बोलते से, ये नमक है, ये कॉर्नफ्लावर है और ये मैदा है, और ये हमारा सोया सॉस है, और ये हमारा चिल्ली सोया सॉस है, ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है कि आप दे या ना दे। ये टमाटो केचप है, और ये वेनेगर है, और ये काली मिर्च है, और ये रेड मिर्च है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सोयाबीन को हमने गर्म पानी में देकर इसे अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। अब इसके जो पानी है इसे हमें निचोड़ लेना है, इस तरह पानी नहीं रहना चाहिए इसमें, अच्छे से हमें इस तरह निचोड़ लेना है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसका पानी पूरा निचोड़ लिया है, इसके अंदर पानी नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा हम बचाएंगे क्योंकि इसका जब ग्रेवी बनाएंगे तब देंगे, ये मैदा, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, और ये कुटी हुई काली मिर्च, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। इस तरह इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए, अब आगे की प्रोसेस क्या है, कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें तेल डालेंगे। तो तेल को गर्म होने के लिए एक चेक कर लेते पहले, इस तरह। तो ये अभी ज्यादा नहीं हुआ है इसलिए थोड़ा सा इसे और गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लेती हूँ, ज्यादा एक साथ मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे और इसका कलर चेंज होने तक, हमें क्रिस्पी होने तक हम इसे तलना है। तो ये देखिए, ये क्रिस्पी हो चुका है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ, बाकी बचे हुए को इसी तरह हमें तल लेना है। और ये बहुत ही खाने में अच्छा लगता है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए, अब जितना भी बचा था मैंने लास्ट में डाल दिया है, आप देख सकते हैं सोयाबीन कहीं चिपक नहीं रहा हमारा। इस तरह से आप इसे फ्राई करेंगे तो कभी नहीं चिपकेगा। तो ये देखिए, अब मैंने तेल को कम कर दिया है, अब 2 चम्मच हमने तेल लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन जो हमने कट करके रखा था इस तरह, और ये प्याज, और ये शिमला मिर्च, मिर्च को और अदरक को हमें अभी नहीं देना है, और इसे हम भुनेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है हमें, इसका कलर चेंज नहीं करना है। तो इस तरह हम, और इसकी साइज देखिए, इस तरह हमें कटिंग करना है। ये देखिए, प्याज और हमारा शिमला मिर्च भून चुका है, तो इसमें मैं डालूंगी, ये हमारा सॉस है चिल्ली सॉस, ये सेजवान चटनी, ये अगर आपके पास नहीं है तो ये कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। अब इसमें मैं डालूंगी सोया सॉस, और ये वेनेगर, और सभी को अच्छे से इसमें हमें भूनना है। अब लास्ट में शिमला मिर्च, सॉरी मिर्च और अदरक भी डाल देंगे। इसे भूनने के बाद लाल मिर्च,
कुटी हुई काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। इस तरह सभी को हम थोड़ा सा भून लेते हैं। थोड़ा सा भूनने के बाद ये जो हमने लास्ट में बचाया था कॉर्नफ्लोर, इसमें पानी देकर इसका घोल बनाएंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा में भी इसे बना सकते हैं, मैदे से भी अच्छा बनता है। तो इस तरह हम थोड़ा सा इसे भून लेते हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ज्यादा नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा, हमें 2 चम्मच पानी लगभग देना है इस तरह। अब इसमें मैं ये सोयाबीन डाल दूंगी और इसे हमें इस तरह अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो ये देखिए लगभग हमारा रेडी है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे घंटी दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। इसलिए क्योंकि अगर मैं आप शुरू में ही बंद कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या इसमें यूज किया है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम करेंगे बंद और चलिए इसे मैं आप सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा बन के तैयार है और कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी बना है। आप एक बार जरूर इसे ट्राई करें। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।